मशहूर यूट्यूबर भाना सिद्धू के खिलाफ पटियाला पुलिस के वलों मामला दर्ज किया गया है। पटियाला तो महिला पूनम स्वामी के बयान के आधार पर यह मामला दर्ज किया गया, जिस के मुताबिक जो शिकायत की गई है कि यूट्यूबर भाना सिद्धू और उसके साथियों के वलों उन्होंने डेरे की जमीन च धक्के पक्की हुई झोने की फसल की वाढ़ी की गई और उस तो बाद उन्होंने जानों मारन तक दियां धमकियां भी दित्तियां गई। पूनम स्वामी के बयान के मुताबिक उन्होंने पिंड तेजा विच उन्हां दी कुल 106 एकड़ जमीन है और जिस विचों 36 एकड़ जमीन के उन्होंने जीरी लगाई हुई सी। जो 7 तरीक नूं अपने पिंड फसल देखने गए तो खेतों के देखिया कि अमन सिद्धू भाना सिद्धू और उसकी भैन पाल कौर समेत 8 तो 9 व्यक्ति उन्हां दी जीरी की फसल वढ़ रहे सन। जो उन्होंने अजिहा करन तो रोकिया तो उक्त व्यक्तियों ने उन्होंने गल पै गए और कुटमार तक की भी कोशिश की है। इल्जाम लगे ने कि कुटमार तक भी की गई है, जिस तो बाद वो अपनी जान जा के गड्डी विच सवार होकर आने लगे तो उक्त व्यक्तियों के वलों उन्होंने गड्डी नूं घेर लिया गया और फिर जानों मारन तक दियां धमकियां भी दित्तियां गई, जिस तो बाद पूनम स्वामी जो कि शिकायतकर्ता ने उन्होंने वलों पटियाला पुलिस में इस संबंधी शिकायत की गई, जिस तो बाद पुलिस ने वख-वख धाराओं तहत जो मामला वो दर्ज कर लिया। तो दस दिए कि यूट्यूबर भाना सिद्धू के खिलाफ सदर थाने च यह परचा दर्ज होया और हुण तक उन्होंने खिलाफ पहला भी जो कई मामले ने दर्ज हो चुके ने। साडे कोल साडे चौकी इंचार्ज पुनेहेड़ी कोल 9 तरीक नूं एक पूनम स्वामी नाम की लड़की ने एक बयान दर्ज कराया सी, जिहदे च उन्होंने कहा भी वह उन्हां दा डेरा इत्थे निर्मल वर्ग की पोत्री है तो उत्थे भाना सिद्धू वगैरह ने साडी जिहड़ी आ साडे हिस्से दी आउंदी फसल वढ ली ते साडी गड्डी घेरी है। उहदे च उन्होंने करीब 7 जणिआं दा नाम लिखाया, जिहदे च एक भाना सिद्धू, जीवन बराड, पाल कौर, दविंदर कंबोज वगैरह उन्होंने लिखाए ने, जिहदे च असीं उहदे बयान मुताबक FIR दर्ज करके उहदी अगे पड़ताल कर रहे। ये जी धारा 303 ते साडे ऑफेंस है जी 126, 351 ते 61 की दो धारा लाई गई। जिस करके FIR दर्ज की है, बाकी जी जमीन संबंधी पड़ताल बाद जारी है। नहीं, ये हजे रेटा जारी ने, गिरफ्तारी कोई नहीं। FIR दर्ज की। मशहूर यूट्यूबर भाना सिद्धू के खिलाफ पटियाला पुलिस के वलों मामला दर्ज किया गया है। पटियाला तो महिला पूनम स्वामी के बयान के आधार पर यह मामला दर्ज किया गया, जिस के मुताबिक जो शिकायत की गई है कि यूट्यूबर भाना सिद्धू और उसके साथियों के वलों उन्होंने डेरे की जमीन च धक्के पक्की हुई झोने की फसल की वाढ़ी की गई और उस तो बाद उन्होंने जानों मारन तक दियां धमकियां भी दित्तियां गईं। पूनम स्वामी के बयान के मुताबिक उन्होंने पिंड तेजा विच उन्होंने कुल 106 एकड़ जमीन है और जिस विचों 36 एकड़ जमीन के उन्होंने जीरी लगाई हुई सी। जदों 7 तरीक नूं अपने पिंड फसल देखने गए तो खेतों के देखिया कि अमन सिद्धू, भाना सिद्धू और उसकी भैन पाल कौर समेत 8 तो 9 व्यक्ति उन्होंने जीरी की फसल वढ़ रहे सन। जदों उन्होंने अजिहा करन तो रोकिया तो उक्त व्यक्तियों ने उन्होंने गल पै गए और कुटमार तक की भी कोशिश की है। इल्जाम लगे ने कि कुटमार तक भी की गई है, जिस तो बाद वो अपनी जान जा के गड्डी विच सवार होकर आने लगे तो उक्त व्यक्तियों के वलों उन्होंने गड्डी नूं घेर लिया गया और फिर जानों मारन तक दियां धमकियां भी दित्तियां गईं, जिस तो बाद पूनम स्वामी जो कि शिकायतकर्ता ने उन्होंने वलों पटियाला पुलिस में इस संबंधी शिकायत की गई, जिस तो बाद पुलिस ने वख-वख धाराओं तहत जो मामला है वो दर्ज कर लिया। तुहानूं दस दईए कि यूट्यूबर भाना सिद्धू के खिलाफ सदर थाने च यह परचा दर्ज होया और हुण तक उन्होंने खिलाफ पहला भी जो कई मामले ने दर्ज हो चुके ने। साडे कोल साडे चौकी इंचार्ज पुनेहेड़ी कोल 9 तरीक नूं एक पूनम स्वामी नाम की लड़की ने एक बयान दर्ज कराया सी, जिहदे च उन्होंने कहा भी वह उन्हां दा डेरा इत्थे निर्मल वर्ग की पोत्री है तो उत्थे भाना सिद्धू वगैरह ने साडी जिहड़ी आ साडे हिस्से दी आउंदी फसल वढ़ ली ते साडी गड्डी घेरी है। उहदे च उन्होंने करीब 7 जणिआं दा नाम लिखाया,
जिसे एक भाना सिद्धू जीवन बराड़ ते पाल कौर दविंदर कंबोज वगैरह उन्होंने लिखाए ने जिसे असी बयान मुताबक एफ आई आर दर्ज करके अगे पड़ताल कर रहे हैं। ये जी धारा 303 बयान मुताबक जो गड्डी रोकी घेरी है तां ताजा ही मौके ते ही उन्होंने जो धमकी वगैरह दिती है जिस करके असी जी एफ आई आर दर्ज की है। बाकी जी जमीन के संबंधी पड़ताल बाद च जारी है। नहीं ये हजे रेटा जारी ने गिरफ्तारी हजे हुई है। रिसीवर भी नियुक्त हुए हुए ने काफी पुराना डिस्प्यूट चल रहा। यह ताजी जी गड्डी घेर के उन्होंने जो धमकियां दित्तियां संबंध जी एफ आई आर दर्ज की।